बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विटामिन से भरपूर एवोकाडो सैलड्स बनाने की रेसिपी। सैलड्स हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। आज मैं आपके साथ टू डिफरेंट एवोकाडो सैलड्स बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, एवोकाडो वेजिटेबल सैलड्स और जो दूसरी है एवोकाडो कॉर्न सैलड्स। इनकी ड्रेसिंग भी बनाना बहुत ही आसान है। और चलिए फिर चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। और ये देखिए, ये देखने में जितनी डिलीशियस है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। और इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, यहाँ पर एवोकाडो के विटामिन से भरपूर सैलड बनाने के लिए एवोकाडो लेंगे और मिक्स वेजिटेबल लेंगे अपनी पसंद से। और ड्रेसिंग के लिए सॉल्ट, ब्लैक पेपर, लीमू और इसी के साथ सिरके में डूबा हुआ गार्लिक और रेड चिली। और इन सभी वेजिटेबल्स को हम अपने स्टाइल से काट लेते हैं। और काटने से पहले एक बड़े साइज़ की प्लेट लेंगे और इसमें हम चलिए कि यहाँ पर हमने खीरा लिया है। खीरे को फ्रंट से काट के हम अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से इसकी झाग निकाल लेंगे। और इसके बाद इसको राउंड में इस तरह से गोल स्लाइस में हम काट लेंगे। लेकिन काटने से पहले आपने खीरे को वॉश करना है और वॉश करने के बाद ही आपने काटना है। यहाँ पर जो मैंने सारी वेजिटेबल लिए हैं ना, इन सबको मैंने पहले वॉश किया और उसके बाद काटना स्टार्ट किया है। खीरे को गोल राउंड में स्लाइस में काट के इस तरह से हम दरमियान से टक लगा के 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इससे हमने अपने प्लेट को गार्निश करना है। हमने यहाँ पर सारा खीरा नहीं काटा है, हमने हाफ से भी कम यहाँ पर काटा है। इससे हम पहले जिस प्लेट में हमने सैलड को सर्व करना है, इसको मैं पहले गार्निश करूँगी इस तरह से। और इसके बाद जो टमाटर है एक, इसको भी दे देंगे और इसको भी इसी तरह स्लाइस में हम काट देंगे जिस तरह से हमने खीरा काटा है। ठीक है, तो इससे ये है कि सैलड्स खाने का मज़ा भी आ जाता है और गार्निश भी हो जाती है। और एवोकाडो की सैलड सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है, विटामिन से भरपूर है। और जो वेदर चल रहा है, एवोकाडो के साथ गर्मी है, तो हमारे सैलड्स वेजिटेबल्स हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी हैं। और इसके बाद जो बाकी का खीरा और टमाटर्स और जो वेजिटेबल्स आप इसमें और भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, तो इस तरह से राउंड में काट के इसके 4 पीसेस कर लूँगी। और सारा खीरा मैं इसी तरह से काट के ना तो बॉल में डालती जाऊँगी। और इसके बाद ये देखिए, इस तरह से हमने खीरे को सारा जो खीरा है वो इस तरह से काट लेना है। और जो टमाटर है वो भी इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में हमने काट लेना है। ठीक है, और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अप्रिशिएट करें। और यहाँ पर हम ले लेते हैं प्याज। प्याज को भी हमने इसी तरह से पहले छिलका उतारना है और फिर इसके बाद दरमियान से हम टक लगा के तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और इसके बाद इस तरह से प्याज को काट के ना, तो ये देखिए इसके जो लच्छे हैं ना, वो हाथ से पकड़ के हमने इस तरह से बिल्कुल सेपरेट कर लेने हैं। और फिर सेपरेट करके तो हम इस तरह से बॉल में डाल लेंगे। और चाहें तो छोटे छोटे पीसेस भी आप कर सकते हैं जब आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, ताकि बाइट में इसीलिए आ सके। और यहाँ पर ले लेंगे ग्रीन वाली प्याज भी मैंने ली है, ऑप्शनल में है, क्योंकि सैलड के अंदर जो प्याज है ना वो मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं जो प्याज है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर डाल रही हूँ। तो आप अगर चाहें तो आप मत डालिए। तो यहाँ पर जो एवोकाडो है, इसकी गुठली कैसे निकालते हैं, ये फर्स्ट रेसिपी में मैं ऐसे बता रही हूँ। और जो दूसरी रेसिपी है उसमें भी बताऊँगी कि 2 तरीक़ों से मैं इसकी गुठली जो है वो आपको निकालना सिखाऊँगी। ठीक है, उसके बाद दरमियान से टक लगा के बहुत ही इजीली सॉफ्टली हाथों से एवोकाडो इस तरह से निकल जाता है। ठीक है, आपको इसके छिलके जो हैं वो छीलने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इसका पहले छिलका उतारेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट होता है और फिर ये ना बिल्कुल हाथ से पकड़ने से ये बिल्कुल सॉफ्ट सा इसका मलीदा सा बन जाता है। चलिए जी, यहाँ पर धनिया भी ले लिया हमने, ऑनियन का ग्रीन पार्ट भी ले लिया, इसको भी चॉप हम काट लेंगे। और इस तरह काटते जाएंगे और बॉल में डालते जाएंगे। और उसके बाद गार्निश के लिए, ड्रेसिंग के लिए हमने लिया है लीमू और ब्लैक पेपर और सॉल्ट। और इसको डालेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। चाहे तो आप स्पून की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो प्लेट गार्निश की थी सर्व करने के लिए, तो यहाँ पर रेडी है सैलड। इस तरह से कीजिए सर्व। और सिरके में डूबा हुआ गार्लिक और रेड चिली ऑप्शनल में है, आप चाहें तो डालें चाहे तो नहीं। और ऊपर से डालिए सॉल्ट। इस तरह से कीजिए सर्व और मुझे कीजिए अप्रिशिएट।
और इसी के साथ चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। चलिए जी, यहाँ पर देखिए प्रोटीन न्यूट्रिशन से भरपूर हेल्थी एवोकाडो सैलेड बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए कॉर्न। कॉर्न यहाँ पर 200 ग्राम 100% बॉयल मैंने लिए हैं। ये कैसे बॉयल किए हैं ये लिंक मैं दे देती हूँ यहाँ पर, मेरे चैनल पर आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ एवोकाडो लिए हैं, कुछ रेड टमाटर लिए हैं, एक हमें मीडियम साइज का ऑनियन चाहिए, एक लीमू चाहिए ड्रेसिंग के लिए, और साथ ही फ्रेश धनिया चाहिए। तो सबसे पहले वेजिटेबल्स जो है वो हम अपने स्टाइल से काट लेते हैं और उसके बाद हम ड्रेसिंग तैयार करेंगे और सारी रेसिपीज वन बाय वन मैं आपको सिखाती जाऊंगी। चलिए जी, यहाँ पर सबसे पहले हम साथ ही ले लेंगे एक बॉल। हम वेजिटेबल्स को काटते जाएंगे और बॉल में डालते जाएंगे। तो सबसे पहले हम काटते हैं टमाटर। टमाटर जो है वो इस तरह से मैं ये देखिए 4 पीसेस में काट लूंगी, दरमियान से टक लगा के। तो इसको हमने 4 पीसेस में इस तरह से काट लेना है और इस तरह से काटते जाएंगे और बॉल में हम डालते जाएंगे, ठीक है। आपने वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपसे कोई टिप्स मिस नहीं हो सके। ड्रेसिंग हम कैसे तैयार करते हैं और आप भी फिर बनाइए ये सैलेड अपने लिए, और ये सैलेड हेल्थी, और इवन आप ये रेसिपीज डाइट पर हैं तो आप तब भी ये सैलेड्स बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलेड सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, 100% विटामिन से भरपूर होती हैं। और जैसे आजकल गर्मी आपको ताप पे है तो हमें सैलड्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से झटपट से ना सैलड तैयार हो जाती है। बस फ्रिज में जो भी वेजिटेबल्स रखी हो उनको अच्छे से वॉश कीजिए और फिर अपने स्टाइल से इस तरह से काट लीजिए, ठीक है। ये देखिए तो सारे टमाटर हमारे इस तरह से कट चुके हैं और साथ ही अब जो कॉर्न है वो भी बॉयल जो है वो मैं इस तरह से डाल दूंगी। प्याज को छील लीजिए और इस तरह से फिर दरमियान से लगा लीजिए टक, और फिर इस तरह से ये देखिए रिंग स्टाइल में ना हमने प्याज को इस तरह से बारीक बारीक काटते जाना है और सारे प्याज बहुत ही इजीली बारीक बारीक कट के तैयार हो जाती है। और इस तरह से ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने इस तरह से ना सारी प्याज को ना काट लिया, तो बाकी की प्याज जो है वो भी हम इसी तरह से काट लेंगे और लच्छों से इस तरह से हम सेपरेट करते जाएंगे और फिर बॉल में डालते जाएंगे। चलिए जी, यहाँ पर देखिए प्याज जो है वो मैंने सारी काट ली है और लच्छों से भी इस तरह से सेपरेट कर ली है और फिर इस तरह से मैंने बॉल में डालनी है। चलिए जी, अब आ जाता है एवोकाडो। एवोकाडो को कैसे काटा जाता है ये मैंने बहुत दफ़ा अपनी सैलेड रेसिपीज में बताया है। ये बहुत इजी है काटना, इसको दरमियान से टक लगाया और इसको हल्के से घुमाया और इस तरह से इसको खोल लिया। और अब इसके अंदर जो गुठली है इसको निकालने के 2 तरीके हैं इस तरह से। और पहला तरीका जो है वो भी मैंने अपने पहली रेसिपीज में बताया है, ठीक है। और अब इसका हमने उतारना है छिलका, तो बस इस तरह से आपने एक टक लगाना है और इस तरह से बहुत ही इजीली इसका जो वो छिलका है वो भी उतर जाता है। तो सारा छिलका जो है वो मैं इसी तरह से उतार लूँगी और इसको सेपरेट कर लूँगी। चलिए जी, छीलने के बाद इस तरह से हम कर लेंगे इसकी कटिंग, कुछ इस तरह से कटिंग करते जाएंगे और बॉल में हम डालते जाएंगे। इस तरह से मैंने ना कटिंग कर ली है और बॉल में फिर डालते जाएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत ही हेल्दी रेसिपीज और बहुत ही आसान और बहुत ही टिप और ट्रिक्स के साथ बताई जाती हैं मेरी रेसिपीज, फॉलो कीजिए एंड तक देखिए। और इस तरह से सारी सैलेड्स जो है वो हमने तैयार कर लेनी है। हेल्दी एवोकाडो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ज़रूर खाना चाहिए। और इस तरह से ये देखिए, तो चलिए जी, तो बाकी के जो है वो भी मैं इसी तरह से सारे काट लूँगी और इसी तरह से काट के ना तो बॉल में डालती जाऊँगी और इसकी गुठली को भी इसी तरह से हम निकाल लेंगे। चलिए जी, सारे एवोकाडो जो हैं वो हमारे कट के यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और इस तरह से हमने इनको छोटे छोटे पीसीस में भी काट लिया है। चलिए तो बस अब इसको हम डाल देंगे इस तरह से बॉल में, ठीक है। चलिए
चलिए जी यहाँ पर कुछ ले लेते हैं हरा धनिया, और हरे धनिया को भी हम इस तरह से चॉप काट लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना प्यार मुझे ज़रूर दें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जो कि आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर धनिया को काट के हमने डाल दिया। चलिए जी यहाँ पर देखिए सारी वेजिटेबल्स जो कट के तैयार हैं, तो अब हम चलते हैं ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जी ड्रेसिंग तैयार करने के लिए दो यहाँ पर मैंने ली है मोटी वाली लहसुन की जवे। ठीक है, और मैं ना इनको पहले इस तरह से हमने इनको इस तरह से बिल्कुल, अगर आप बारीक बारीक खुद चॉप काट सकते हैं तो उस तरह से भी आप कर लीजिए। तो इस तरह से दोनों लहसुन की जबे जो हैं वो बिल्कुल बारीक बारीक हमने इस तरह से पेस्ट चाहिए हमें। लीमू रस चाहिएगा 2 टेबलस्पून भर, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। उसके बाद यहाँ मैंने लिया है ब्लैक पेपर, सॉल्ट और ओरिगानो ड्रेसिंग के लिए। ठीक है, तो ये सब डालेंगे हम इसमें और अच्छे से इसको हमने कर लेना है मिक्स। चलिए जी यहाँ देखिए ड्रेसिंग को हमने अच्छे से तैयार कर लिया है और बहुत अच्छे से मिक्स भी कर लिया, और उसके बाद सारी रेसिपीज हम वन बाय वन तैयार करेंगे। आपने इस रेसिपीज को ज़रूर ट्राई करना है और वीडियो को एंड तक देखना। ड्रेसिंग को इस तरह से जो हमने सारी सैलड्स काटी है, वेजिटेबल्स काटी हैं, उसके ऊपर डाल देंगे, और डालने के बाद ड्रेसिंग हमने डाल दी और इसके बाद इस तरह से हम करेंगे मिक्स। ज़बरदस्त, वाओ, यम्मी न्यूट्रिशन प्रोटीन और हेल्थी सैलड हमारी यहाँ पर कॉर्न अवोकाडो के साथ बनके तैयार है। इसके अलावा आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा और वेजिटेबल्स भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ अवोकाडो की 4 डिफरेंट रेसिपी डिलीशियस सैलड्स की शेयर करूँगी। इसी के साथ हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, लेकिन इससे पहले मैं आपको अभी एक टिप्स देने के लिए बाकी है थोड़ा सा, इसको पेस्ट करके भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो एक स्पेशल टिप्स खास ये है कि आप अगर इसमें लीमू नहीं डालना चाहते तो आप इसमें 1 टीस्पून विनीगर भी, वाइट विनीगर भी डाल सकते हैं, लेकिन वो आपने तब डालना है जब आपने सर्व करनी है या जब आपने सैलड काट ली है और बिल्कुल खाने के लिए रेडी है, तो तभी आपने डालनी है। आपने पहले से इसमें विनीगर या लीमू पहले से डाल के नहीं रखना, आप जब रेडी है खाने के लिए तो तभी आप डालिए। अगर आप पहले से डाल के रख देंगे और आधे घंटे 1 घंटे के बाद खाएंगे तो वेजिटेबल्स जो हैं वो पानी छोड़ देंगी, तो इस तरह से आप नहीं खा सकते। ये खास टिप्स है, इसको बहुत आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारी सैलड रेडी है, तो चलिए बस अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की। खुश रखिए, अपनी दुआ में याद रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोटीन और हेल्थी न्यूट्रिशन से भरपूर सैलेड बनाने के लिए।